वहाँ पे आई थिंक कल छठ पूजा है तो उसी का ही सारा इन्होंने पहला सूट ये है हमारा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और शादी से हम लोग वापस आ गए हैं और शादी के जितने व्लॉग्स हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और अगर आप लोगों ने शादी के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, जाकर व्लॉग्स देखो। एंड सर्दी आ गई है तो मैंने अपना वूलन का टॉप पहना हुआ है। और शादी से हमें क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं तो सबसे पहले जो है ये बेडशीट है दुल्हन की, ये हमें मिली है शादी से। पास से देखो, ये हमें बुआ जी ने गिफ्ट की थी तो शादी के टाइम बुआ जी के घर के हैं तो शादी की गिफ्ट ही बोल सकते हैं कि शादी के टाइम ही मिली है। और पीछे गाड़ियों का शोर आ रहा होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। सेकेंडली यहाँ पे जो है तो सेकंड यहाँ पे ये जो ब्लैंकेट मिले हैं हमें, ऐसे दो मिले हैं, एक हमने लगा लिया हुआ है और एक ये है। ये बहुत ही सुंदर वॉर्म कंबल है। ऐसे जो दो कंबल मिले हैं, एक हमने लगा लिया और एक ये पैकिंग में पड़ा था तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ले आई। और एक ये सूट मिला है मम्मा को, इसमें तो पगड़ी भी है, आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये इस तरह कुछ पगड़ी है मजेंटा कलर में और ये सूट है मम्मा का, ये शायद लड़की वालों की तरफ से आया उनको। और ये बहुत ही सुंदर ग्रे कलर में है और सिप्पियों का काम हो रखा है ऊपर, कॉटन का सूट है ये। और कुछ ऐसा सूट है, और इसके साथ में ये कॉटन का दुपट्टा है जिसको कुछ ऐसा काम हो रखा है। ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये एक सूट मेरा है, मुझे मिला है और ये बहुत ही सुंदर येलो कलर में है, ये कुछ ऐसे येलो कलर में है, इस पर भी काम हो रखा है। और येलो मेरा फेवरेट कलर है, लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ तो कुछ ऐसा है और इसके साथ ये दुपट्टा है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये लाइट येलो कलर में है सूट, बहुत ही अच्छा कलर है और मेरा फेवरेट कलर है तो गर्मी आएंगी तब बनवाऊंगी मैं से। ये दोनों सूट जो थे ये लड़की वालों की तरफ से आए थे, जो मम्मी ने कपड़े लिए थे हमारे लिए वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो पहला सूट ये है हमारा, ये बहुत ही सुंदर कॉटन का ब्लैक कलर में है, पास से दिखाती हूँ इसका काम। देखिए ब्लैक मम्मा का फेवरेट कलर है इसलिए मासी ने उनके लिए ब्लैक सूट लिया है। और इसके साथ का दुपट्टा है, ये भी बहुत अच्छा है दुपट्टा, सॉफ्ट है एकदम कॉटन का दुपट्टा है। देखिए कुछ ऐसा है, तो अभी तो गर्मियों में ही बनेंगे ये सूट। ये सूट मुझे दिया है मासी ने, तो पहले मैं आपको इसकी शर्ट दिखा देती हूँ। ये प्योर प्योर का सूट है, शायद सिल्क में है, मुझे कपड़ों की इतनी नॉलेज नहीं है सूट्स वगैरह की।
सी सिल्क है मुझे ये नहीं पता, बट ये देखिए कुछ ऐसा सूट है। ये भी मेरा फेवरेट कलर है, वो ये फिरोजी कलर का सूट है। देखिए इसके पल्ले पे कुछ ऐसा काम हो रखा है, और ये इसकी बैक पे भी काम है। और ये इसके साथ की बॉटम है फिरोजी कलर में ही। इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा दुपट्टा है इसके साथ, तो इस कलर में दुपट्टा है। अच्छा सा दुपट्टा मैं पास से दिखा देती हूँ आपको, दुपट्टे पे भी शर्ट जैसा सेम वर्क हो रखा है। तो गाइस पापा और डायमंड को भी कपड़े मिले हैं, डायमंड को रेडीमेड सूट मिला है, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ पे रख दिया वहाँ हमने। और बाकी जो भी गिफ्ट मिले थे, पापा को भी कपड़े मिले थे, तो जेंट्स के कपड़ों का कुछ नहीं होता इतना दिखाने वाला, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो मिठाइयाँ मिली हैं, तो ये वीडियो जो है मैं थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ, मिठाई वाली वीडियो मैंने पहले शूट क्लिप शूट करके रखी हुई है आप लोग को दिखाने के लिए, वो मैं इस व्लॉग में ऐड कर दूँगी। एंड थैंक यू मौसी, हमें सूट बहुत अच्छे लगे। तो गाइस बहुत सारे कपड़ों के साथ साथ हमें बहुत सारी मिठाई भी मिली है, और देखिए मेरे फेवरेट मोतीचूर के लड्डू ये है, अगेन सेम, और ये है, कितनी सारी मिठाई भी मिली है हमें। ये वाले दो डब्बे थे, एक हम खोल चुके हैं और एक अभी बंद पड़ा हुआ है। तो अब देखो कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं हमें शादी के, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस यही सब था जो हमें शादी से मिला था, और ये बहुत ज़्यादा है। एंड शादी बहुत अच्छे से हो गई थी, बहुत इंजॉय भी किया हम लोगों ने। हे गाइस, तो अभी हम लोग जो हैं अपने घर के पीछे आए हैं, यहाँ पे ग्राउंड है, मैं आपको छत से दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आई थिंक कल छठ पूजा है, तो उसी का ही सारा इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, और कितने अच्छे से इन्होंने किया है। आप देख लो सारी लाइटिंग की हुई है इन्होंने पूरी प्रॉपर पीछे से, और ये पानी के खड्डे बनाया है। इसमें लेडीज़ जो जिन्होंने पास किया होगा वो सुबह 4 बजे खड़ी हो जाएंगी, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं ये लोग, बहुत हार के मनाते हैं आई थिंक, तो उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और सामने माता रानी का मंदिर बना हुआ है छठ माता का, और ये देखिए अभी फ़ोन में तो इतने अच्छे से कैप्चर भी नहीं हो पा रहा जितना सुंदर ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है जुगनुओं की छत बनी हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमने जो माता रानी का पंडाल बना हुआ है, सुबह सुबह बहुत रश होगा यहाँ पर, अभी तो खैर अभी तो लोग तैयारियाँ ही कर रहे हैं। तब देख सकते पूरा ग्राउंड इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल नहीं हुई थी ड्यू टू कोरोना, बट इस साल इन्होंने फिर से अच्छे से डेकोरेट किया है। इधर खाने पीने के पंडाल लगे हुए हैं, और डायमंड मत्था टेक रहे हैं, डायमंड मत्था टेक ली उसके बाद मैं भी टेक लूँगी। बट हमारे यहाँ पूजा होती है, तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए ले आई थी, और बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट्स किया है इन्होंने, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। तो गाइज अभी यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी मेरी आवाज़ ही नहीं आ पाई है, रिकॉर्ड नहीं हो पाया अच्छे से, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। अभी मैं और डायमंड जो है दर्शन करके छठ माता के हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने, मोमोज वगैरह। तो गाइज़ ये देखिए रास्ते में और भी छठ माता के पंडाल लगाए हुए थे लोगों ने, और ये बिहार के लोगों का फेस्टिवल होता है, और वो लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं इस पर्व को। तो ये देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया है इन्होंने यहाँ पे भी।
मुझे बहुत सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने आप लोग के लिए ये भी रिकॉर्ड कर लिया। इतना ही, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।